ABPS News। उत्तर प्रदेश की पूरे 59,163 ग्राम पंचायतों की डॉक्यूमेंट्री का सपना लेकर एबीपीएस न्यूज की टीम जनपद बुलंदशहर के गांव खुशालाबाद पहुंची। यहां पर ग्राम प्रधान नन्नू सिंह हैं और इस गांव की आबादी 5,500 है और यहां पर कुल वोटरों की संख्या 2,000 से ज्यादा है। यहां पर राशन कार्ड के विषय में कोई जानकारी हासिल नहीं हो सकी, तो वही विधवा पेंशन में लाभार्थियों की संख्या 10 है और इस पेंशन से 30 अभी विधवाएं वंचित हैं। के साथ साथ वृद्धा पेंशन की अगर बात करें तो इस गांव में किसी को भी वृद्धा पेंशन का लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो विकलांग पेंशन पर पूछे जाने पर मालूम हुआ कि यहां पर मात्र 10 लोगों को विकलांग पेंशन का लाभ मिला है और 20 से ज्यादा विकलांग ऐसे हैं जो इस पेंशन से अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं। इसके साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में इस गाँव में प्राथमिक विद्यालय में 186 तो जूनियर हाई स्कूल में 185 छात्र छात्राएं पंजीकृत है। ग्राम प्रधान ने बताया कि उनके कार्यकाल में यहां पर इंटरलॉकिंग के 15 रास्ते, गांव में 100 शौचालय, स्कूल की मरम्मत, पंचायत भवन की मरम्मत के साथ साथ बाउंड्री का काम भी कराया गया है। आंगनबाड़ी केंद्र और जूनियर तथा प्राइमरी स्कूल में भी इंटरलॉकिंग की सड़क और अन्य कार्य भी कराए गए हैं। केंद्र और राज्य सरकार से मांग पर उन्होंने कहा कि अभी उनके गांव को 10 आवासों की और आवश्यकता है। इसके साथ साथ जिन लोगों को पेंशन नहीं मिल रही है उन्हें लाभार्थी के तौर पर पेंशन उपलब्ध कराई जाए, साथ ही 35 सौर ऊर्जा की लाइटों की भी गांव को जरूरत है। गांव के कुछ कच्चे रास्ते हैं, उन पर इंटरलॉकिंग होना है लेकिन पैसे के अभाव में ये काम नहीं हो पा रहे। साथ ही उन्होंने कहा कि पशु चिकित्सालय की भी उनके गांव को बहुत जरूरत है क्योंकि 5,500 की आबादी की बड़ी ग्राम पंचायत है और यहां पशुओं के रखरखाव के लिए ग्रामीणों को पशु चिकित्सालय का होना बहुत जरूरी है। उन्होंने बताया कि पानी की निकासी की व्यवस्था भी यहां पर ठीक नहीं है, साथ साथ यहां स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अस्पताल की व्यवस्था तो की गई है लेकिन वहां पर कभी भी पूरा स्टाफ दिखाई नहीं दिया। चौहान ब्लॉक अनुपशहर जिला बुलंदशहर। मैंने लगभग सीसी 449 मीटर कराई है और सड़कें, दो सड़कें भी मरम्मत हुई हैं और 3 रास्ते इंटरलॉकिंग कराए हैं। एक नाला बनवाया है, 20 लाइट लगवाई है, गांव में 25 शौचालय बन चुके हैं, 2 आवास बन चुके हैं और पंचायत घर की मरम्मत भी कराई है। एक नाला बनवाया है और जो मांग है वो हमारी बिजली की समस्या है, बिजली नहीं है गांव में और लगभग 250 शौचालय मांगे थे जिसमें कि अभी हमें 25 ही उपलब्ध कराए गए हैं। प्रधानमंत्री आवास भी 10 मांग रखे हैं और स्वास्थ्य केंद्र नहीं है गांव में, आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है, पानी की निकासी जो है वो ठीक नहीं है, मतलब कहीं भी पानी की निकासी का वो ही नहीं है, रास्ता ही नहीं है, कहाँ डालें पानी को। और गांव के मेन रास्ते भी ख़राब हैं, जो हम चाहते हैं कि सीसी या इंटरलॉकिंग हो जाए लेकिन हो नहीं पा रही है। कम से कम 10,000 रुपये होना चाहिए मानदेय और 3500 रुपये में आप जान समझ रहे हो क्या होता है, तो मैं तो यही चाह रहा हूँ मिनिमम तो 10,000 रुपये, अन्यथा तो 20,000 रुपये होना।